हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वेलकम बैक अगेन। आइए भक्तजनों, फूल चढ़ावे से देवी दुर्गा माँ का स्वागत करें। देवी माँ तो केवल भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम माँ के प्रिय फूल चढ़ाकर उन्हें अति प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी विशेष कृपा भी हम पर बनी रहती है। खासकर नवरात्रि में देवी माँ के प्रिय फूल चढ़ा सकते हैं। ज्योतिषचार्यों की माने तो देवी माँ को कई तरह के पुष्प प्रिय हैं। इनमें से कुछ फूल का विशेष महत्व है। दुर्गा देवी माँ का प्रिय पुष्प गुड़हल है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से भक्तों पर असीम अनुकंपा होती है। गुड़हल के पुष्प में माँ दुर्गा का विशेष वास माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आइए एक एक करके देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रिय फूलों का नाम जानते हैं। जय माता दी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के प्रिय फूल की चर्चा करेंगे। ये सारी जानकारी हिंदू धर्म के मान्यताओं और धार्मिक पुस्तकों से ली गई है। आगे बढ़ने से पहले इसी तरह की और भी गार्डनिंग, फूल पौधों की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हैं नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ की अपडेट के लिए। हिबिस्कस या गुड़हल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो हमारे गार्डन में खूबसूरती बढ़ाते हैं। कई सारे रंगों में होते हैं। माँ शैलपुत्री, जो माँ दुर्गा का प्रथम रूप है, के प्रिय फूल हैं। लाल सफ़ेद गुड़हल दोनों ही माँ दुर्गा को अति प्रिय हैं। लाल गुड़हल माँ शैलपुत्री को ज़्यादा प्रिय हैं। सुहागने लाल गुड़हल ही चढ़ाएँ। सफ़ेद कनेर का फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये है गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम, जिनके फ्लावर कई रंगों में होते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी के फूल अर्पित करते हैं, जो माँ दुर्गा के प्रिय फूलों में से एक हैं। ये फूल अर्पित करने से भक्तजनों पर माँ की विशेष अनुकंपा होती है, दुखों से मुक्ति मिलती है। विभिन्न रंगों में होती है गुलदाउदी। किसी भी रंग के गुलदाउदी को हम माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। ये खूबसूरत से फ्लावर हमारे बगीचे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ माँ देवी दुर्गा को भी अति प्रिय हैं। सुगंधित सफ़ेद गुलदाउदी भी हम माँ को अर्पित कर सकते हैं। कमल के फूल। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तृतीय रूप है। देवी चंद्रघंटा को कमल का फूल अर्पित किया जाता है। कमल का फूल माँ के प्रिय फूलों में से एक है। कमल का पुष्प देवी माँ को अर्पित करने से हमारे अंदर नई ऊर्जा महसूस होगी, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कमल के फूल शुभता और शांति के प्रतीक होते हैं, जो कई देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा को भी कमल का पुष्प अति प्रिय है। ये है चमेली का फूल। सफ़ेद रंगों में भीनी खुशबू वाला यह फूल परमानेंट होता है, जो हमारे गार्डन में गार्डन की शोभा बढ़ाता है। कुसमांडा माँ दुर्गा का चतुर्थ देवी रूप है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुसमांडा को चमेली का फूल अर्पित करने से आपकी सभी 5 इंद्रियां जागृत हो जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि का विकास होता है। येलो कनेर या पीली घंटी। ये फूल पीले रंगों में होता है और इसमें कनेर भी पीले रंगों में पाए जाते हैं। स्कंद माता माँ दुर्गा का पंचम रूप है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता को पीले फूल काफ़ी प्रिय हैं। देवी दुर्गा को पीली कनेर या पीले रंग का कोई भी फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके और संतान के बीच प्रेम और विश्वास की अटूट डोर बंधी रहती है। पीली कनेर के अतिरिक्त भी कनेर के और भी कई रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद, गुलाबी, और ये भी भीनी खुशबू वाले होते हैं, जो हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। परमानेंट ट्री होते हैं, जिसमें कई सारे फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। माँ दुर्गा के साथ साथ और भी देवी देवताओं को कनेर के फूल अति प्रिय हैं, जिस वजह से इन फ्लावर का प्रयोग पूजा पाठ में भी काफ़ी किया जाता है। ये है मैरीगोल्ड या गेंदे का फूल। माँ कात्यायनी देवी माँ का षष्ठी रूप है। नवरात्रि के 6ठे दिन गेंदे की छोटी बड़ी किसी भी आकार की कोई भी रंग की गेंदे का फूल अर्पित करें।
गेंदे का प्रयोग पूजा पाठ में भी भरपूर मात्रा में किया जाता है। भीनी खुशबू वाले गेंदे देवी देवताओं को अति प्रिय हैं, जो शीत ऋतु प्रदेश में सालों भर मिलते हैं। गेंदे की हाइब्रिड वैरायटी भी अब हमें सालों भर मिल जाती है। ये खूबसूरत सा पुष्प है कृष्ण कमल। कृष्ण कमल फ्लावर दुनिया की सबसे खूबसूरत फूलों में से एक माना जाता है। इंग्लिश में इसे पैशन फ्लावर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे राखी बेल के नाम से भी लोग जानते हैं। कृष्ण कमल कई रंगों के होते हैं, जैसे बैंगनी, लाल, सफ़ेद। लता पर लगने वाले इस फूल का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस फूल की 500 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। यह पुष्प काफ़ी खूबसूरत होता है, साथ ही धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण कमल माँ दुर्गा को अति प्रिय हैं। कालरात्रि नव दुर्गा का सप्तम रूप है, ऐसा माना जाता है। कालरात्रि के प्रिय फूल कृष्ण कमल हैं। कालरात्रि माँ का विशाल स्वरूप है। कृष्ण कमल का फूल चढ़ाने से भक्तजनों को सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस अनोखे पुष्प के आकार को देखकर कहा जाता है कि इस फूल में महाभारत के सभी महत्वपूर्ण पात्र समाए हुए हैं। फूल बनावट को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसमें जो बाहरी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो बैंगनी, लाल या सफ़ेद होती हैं, उसकी संख्या 100 होती हैं, जिन्हें कौरव कहा जाता है। इसके ऊपर 5 कली होती है, जिसे पांडव कहा जाता है। साथ ही 5 कलियों के ऊपर और 3 कली होती है, जिसे ब्रह्म, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। जो केंद्र में विराजमान है उन्हें कृष्ण स्वरूप माना जाता है। बेली या मोगरा के फूल। मोगरा एक प्रकार का पौधा है, जिसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद रंग के साथ बहुत ही खुशबूदार होते हैं। इसका वानस्पतिक नेम जैस्मिन सैम्बेक है। मोगरा का फूल फिलीपींस देश का राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। नवरात्रि में 8वें दिन देवी के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी के प्रिय फूल हैं सुगंधित बेला या मोगरा, और इन्हें ये फूल चढ़ाए जाते हैं। इससे धन, वैभव, सुख, शांति सभी की वृद्धि होती है। ये है चंपा या प्लूमेरिया अल्बा, जिसे संस्कृत में कंपाका भी कहते हैं। चंपा एवरग्रीन परमानेंट फ्लावरिंग ट्री होते हैं, जिसे हम पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं, इसमें खुशबूदार रंग बिरंगे फ्लावर्स भी आते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का नवम रूप है। माँ सिद्धिदात्री को चंपा के फूल प्रिय हैं। देवी माँ को 9वें दिन चंपा के फूल अर्पित करें। इन सब के अलावे प्रतिदिन माँ दुर्गा को अपराजिता या लाल रंग के गुड़हल के फूल भी अवश्य चढ़ाए जाने चाहिए। प्रिय भक्तजनों, सभी लाल फूल और सुगंधित सभी सफ़ेद फूल माँ भगवती को विशेष प्रिय हैं। बेली, चमेली, केसर, श्वेत कमल, पलाश, चंपा, कनेर, अपराजिता आदि फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है। दूब, मदार, हरसिंगार, बेल, ये सब खासकर माँ दुर्गा को ना चढ़ाएं। देवी माँ की कृपा, आशीर्वाद सब पर बनी रहे, यही कामना है। अपनों के बीच इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।